गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आइए आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का अगला टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बच्चे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उससे संबंधित डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, उससे संबंधित परिभाषाएं, परावर्तन के नियम, एफ और आर में संबंध है, और यू भी एफ में संबंध, सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे उससे संबंधित परिभाषाएं और अपवर्तन के नियम। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यदि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं बच्चे इसको। बच्चों, प्रकाश क्या होता था? प्रकाश क्या होता था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है बच्चे, जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है। जब लाइट उस वस्तु पे पड़ती है, वहां से टकरा के हमारे नेत्र तक पहुंचती है, और तब जाकर के हमको पता चलता है कि वस्तु क्या होती है, वस्तु का ज्ञान होता है। तो बच्चों, परावर्तन में आपने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई समतल होता है या पालेदार या चिकना तल होता है, जब कोई स्रोत मान लीजिए प्रकाश से, वहां से प्रकाश की किरणें आ रही थी, इस समतल पे पड़ती थी, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटती थी। ये तो था प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पालेदार समतल पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को क्या बोलते थे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है कि जब प्रकाश की किरणें, या इसमें जो है बच्चों, केवल एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये पूरा आपका एक माध्यम है। जितनी भी प्रक्रिया प्रकाश के परावर्तन में होती है बच्चों, एक ही माध्यम होता है, उसमें दो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। विशेष अंतर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में होती है। प्रकाश के परावर्तन में एक माध्यम का होना अनिवार्य है, और प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं बच्चे, दो माध्यम का होना अनिवार्य है। तो आइए चर्चा कर लें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बच्चों, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अपने मार्ग से कुछ विचलित होकर चली जाती है। मतलब यदि प्रकाश की किरणें मान लीजिए एक माध्यम है, अभी हम माध्यम की चर्चा नहीं कर रहे कि कैसा माध्यम है, मान लीजिए पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए सन है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से टकरा करके इसका रास्ता बच्चों ये है, लेकिन ये टकरा करके हो सकता है इस तरीके इधर से जा सकता है, या इस दिशा में भी जा सकता है। डायरेक्शन इसका ये था, डायरेक्शन ये था, लेकिन टकरा करके अपना रास्ता रूट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया बच्चों। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी, तो अपना मार्ग बदल कर चली जाती है, अपना रास्ता चेंज करके चली जाती है, तो ये घटना जो क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए चर्चा करते हैं किस कब या किस कंडीशन में इधर की तरफ झुकेगी और किस कंडीशन में इधर की तरफ झुक करके जाएंगी। तो आइए चर्चा करें। तो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन समझ में आ गई, लिखते हैं, चलो लिख देते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो
वे अपने मार्ग से विचलित होकर चली जाती हैं, विचलित होकर चली जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों डिफ्यूजन क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो अपना रास्ता क्या होंगे, बदल के चले जाएंगे। उस घटना को हम बोलेंगे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन होते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये आपका है पहला माध्यम है, इस माध्यम को बच्चों मान रहे हैं सघन माध्यम, और ये माध्यम आपका कैसा है विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है बच्चों, यहाँ से लाइट आ रही है, ए इसका क्या हो गया अविलंब हो गया बच्चों, नॉर्मल हो गया। मतलब किसी समतल के परपेंडिकुलर जो खींची गई रेखा होती है उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे वीडियो में। बच्चों एक चीज जान लो, सघन माध्यम क्या होता है पहले डिस्कस कर ले, आपको बता दें कि सघन माध्यम क्या होता है और दूसरा विरल माध्यम क्या है। बच्चों सघन माध्यम क्या होता है, सघन का मतलब होता है पास पास, क्या होता है बच्चों पास पास। जब माध्यम के जो कण होंगे वो क्या हो बहुत पास पास होते हैं तो उस माध्यम को हम बच्चों क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। जब माध्यम के जो कण हैं बहुत पास पास होते हैं तो उस माध्यम को हम बोलते हैं सघन माध्यम, और जिसमें कण जो है दूर दूर होते हैं विरल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, विरल माध्यम। तो कैसा माध्यम लिया गया, एक सघन माध्यम एक विरल, मतलब सघन का मतलब इसमें माध्यम के जो कण होंगे बहुत पास पास होंगे, सपोज करो ऐसे बच्चों सघन माध्यम है विरल। तो जब प्रकाश की किरणें एक चीज जान लो बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। अच्छा बच्चों इसमें क्या है सघन माध्यम मतलब कण जो होंगे बहुत पास पास होंगे, इसमें दूर दूर। अच्छा ये बताइए कि अगर आपसे कहा जाए मान लीजिए आप भीड़ में साइकिल चला रहे हो, वहां पे आपकी स्पीड क्या होगी बच्चों, कम होगी, और जैसे ही खुला रास्ता मिलेगा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि रास्ते में जो माध्यम के कण है रुकावट नहीं। तो बच्चों यहां पे जब सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी प्रकाश की किरणें तो माध्यम के कण बहुत पास पास है उनमें उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जैसे ही वो विरल माध्यम में प्रवेश करती रास्ता क्लियर, वो क्या होती है इस अविलंब से दूर हटके चले जाती, भाई उनका रास्ता क्लियर है दूर हटके निकल जाती है, स्वतंत्र है। अब बच्चों क्या हुआ, इसको जाना चाहिए था इस मार्ग से, इसका रास्ता तो ऐसे है, लेकिन ये क्या हुआ रास्ता बदल दिया, और हमने तो वही तो लिखा है दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से विचलित होकर रास्ता बदल करके चला जाए, वो घटना से प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है। अच्छा तो सघन से विरल में अगर जा रहा है तो विलंब से क्या होता है दूर हटके जा रहा है, क्यों, तो उसने माध्यम के कण पास पास किसी तरह इसी तरीके से पार किया और जैसे ही खुला मिला माध्यम कण दूर दूर हुए वो क्या हुआ यूं निकल गए। तो कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो अविलंब से दूर हटके जाएंगी। यहां पहली कंडीशन लिख रहे जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हटकर
हटकर चली जाती है, चली जाती है। बच्चों क्यों जाती है? क्योंकि माध्यम के कर इसमें पास पास इसमें दूर, जैसे ही इनका रास्ता क्लियर होता है विलंब से दूर हटके चली जाती है। कैसा माध्यम है बच्चों? टिपिकल माध्यम। अच्छा अगर यही घटना अपोजिट कर दी जाए बच्चों, मान लो एक छोटा सा फिगर यहां लेते हैं यहां, तो यहां से अब ऊपर हम क्या कर दे रहे हैं बच्चों? विरल माध्यम है। और नीचे कैसा माध्यम कर दिया जाए? सघन माध्यम कर दिया जाए। तो जैसे ही मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत यहां से लाइट आएगी, ये तो स्वतंत्र होके आ रहे हैं, लेकिन इसमें माध्यम कर क्या है? बहुत पास पास है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम है बच्चों, ये रहा। तो जैसे ही इसमें प्रवेश करेंगे तो ये तो अभिलंब है बच्चों, ये अभिलंब तरफ क्या होती है? स्वतंत्र होकर जा रहे, माध्यम सघन आ गया, तो क्या करते बेचारे? झुक करके चली जाती है। तो माध्यम इस अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक करके जाती है। याद रखिएगा बच्चों, यदि साधन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेंगी तो अभिलंब से दूर हट कर जाएंगी, और दूसरी कंडीशन यदि विरल से सघन में प्रवेश करेंगे तो अभिलंब की तरफ झुक करके चले जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करती है, तो अभिलंब की तरफ झुक कर चली जाती है, चली जाती है। समझ में आ गया बच्चों? यदि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की तरफ, अभिलंब से दूर हटके जाएंगे, और यदि इस विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ झुक करके जाएगी। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन बच्चों? जब प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से जा रही हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे, तो अपना रास्ता बदल करके वो चाहे अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुक करके जाए, अभिलंब से दूर हट के जाए, वो घटना क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। इसको नोट करें या इसके साथ में आइए इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं चर्चा कर ले। अपवर्तन जैसे प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था परिभाषाएं कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण, अभिलंब और सब, उसी तरह इसमें भी हम पढ़ ले बच्चों की इससे संबंधित डेफिनेशन क्या होती है। इसको रीड कर दिया जाए तो बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग लगाएं, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं, परिभाषाएं बच्चों। मान लीजिए अपवर्तन जो समझ में आ गया बच्चों आपको, ये क्या है? एक माध्यम है, ये आपका सेकंड माध्यम। कैसा माध्यम है उस पर भी चर्चा बाद में करेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई स्रोत है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये क्या हुआ? इस समतल के परपेंडिकुलर खींची गई जो रेखा लंबवत 90 अंश के कोण पर खींची गई जो रेखा होती है, और तो यहाँ से मान लीजिए एक प्रकाश की किरण अपवर्तन के फलस्वरूप, मान लीजिए समुद्र बच्चों मान लेते हैं, एक ऐसा माध्यम है विरल है, एक ऐसा है सघन। विरल का मतलब माध्यम कण दूर दूर होंगे, सघन का मतलब बहुत पास पास होंगे, गठन होंगे। तो यहां से क्या हुआ कि अगर विरल से सघन प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ क्या होती है बच्चों? झुक करके चली जाएगी। तो बच्चों एक इसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, जिसका नाम आपने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन में भी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। इसकी डिफिनेशन क्या है बच्चों? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। बच्चे एक बार पढ़ भी चुके हो प्रकाश के परावर्तन में, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो बच्चों इस बिंदु पर क्या हुआ? अपवर्तन। अगर ये प्रकाश की किरण टकराती उसी माध्यम में जाती तो क्या होता बच्चों? परावर्तन होता।
आ रहा समझ में? यदि यहां से टकरा कर उसी माध्यम में लड़ जाती है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन टकरा करके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो यहां पे अपवर्तन हुआ इस बिंदु पे, अपवर्तन के फलस्वरूप जो किरण प्राप्त हुई इस किरण को हम क्या कहेंगे बच्चों? अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे, ठीक। और इस जिस बिंदु से अपवर्तन हुआ इस बिंदु को क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और इस समतल के लंबवत खींची गई जो रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और बच्चों इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये जो कोण बनता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है बच्चों आपतन कोण। क्या होता है बच्चों? आपतन कोण होता है। और इस अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच जो बना कोण है इसे हम आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है बच्चों, अपवर्तन कोण बोलते हैं इसको। किसी प्रकार स्रोत से आने वाली किरण को बच्चों क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। अपवर्तन के फलस्वरूप जो किरण प्राप्त होगी उसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। जिस बिंदु से अपवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? आपतन बिंदु कहेंगे। और इस समतल के जो परपेंडिकुलर या लंबवत खींची गई रेखा है उसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। इस आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा बच्चों उसे हम आपतन कोण कहेंगे। और इस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना है उसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से डिनोट करना है, अपवर्तन कोण को आर से डिनोट करना है। आइए इसके बाद बच्चे पढ़ते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बच्चों, जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन का दो नियम था ठीक उसी प्रकार अपवर्तन का भी दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का भी बच्चों क्या है? दो नियम है। पहला नियम क्या है बच्चों? कि आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, पर स्थित होते हैं ठीक। पहला समझ लो बच्चों कि पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल से होकर जाते हैं या एक ही तल पर स्थित होते हैं, उस तल का नाम क्या बच्चों? आपतन बिंदु होता है पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है बच्चों साइन, साइन पढ़े हो, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। और अगर कॉस होता है इसको कोसाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोज्या। साइन को बोलते हैं बच्चों स्पर्शज्या। तो इस तरीके से इसका नाम है। तो कहा जा रहा है कि आपतन कोण की ज्या तथा ज्या न समझना बच्चों, यहां लिख दो साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात क्या बच्चों? साइन का अनुपात जो रेशियो होगा, अनुपात सदैव नियत होता है, नियत होता है। हो गया मतलब? दूसरा क्या कह रहा है कि आपतन कोण
कि जो ज्या है साइन और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात आर का जो साइन है उनका जो रेशियो होगा वो नियत होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर का जो अनुपात है सदैव बच्चों क्या होगा नियतांक होगा। बच्चों इसी को इस नियम को एक नाम और दिया गया है, उसे हम बोलते हैं बच्चों स्नेल का नियम, स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम। बच्चों यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि साइन आई और साइन आर का जो है अनुपात सदैव नियत का मतलब एक ही मान आएगा चाहे जहां निकले। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि आपतन कोण का मान जितना हम बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी उतना बढ़ता जाएगा। विशेष ध्यान देना बच्चों, यदि आपतन कोण का मान हम बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, यदि आपतन कोण का मान हम कम करेंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा कम, क्योंकि अपवर्तन का जो नियम है वो बोलता है कि सदैव आई और आर का जो ज्या का अनुपात है सदैव कैसा आना चाहिए नियत होना चाहिए। ऐसा कब होगा जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाए, या आपतन कोण का मान कम करने पर अपवर्तन कोण का मान भी कम हो जाए, तब ये सिस्टम आपका इसके बाद तो हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों ये क्या है, ये नियतांक क्या होता है। इसको हम बोलते हैं कि पहले माध्यम, इसको अपवर्तनांक भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बच्चों अपवर्तनांक क्या होता है, या इसको क्या बोलते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम क्या बोलते हैं अपवर्तनांक। इसे यन से डिनोट किया जाता है, जैसे मान लीजिए बच्चों ए आपका एयर है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। सघन माध्यम में मान लीजिए कांच रखा गया है, इसको क्या बोलेंगे कांच को जी बोलते हैं। यदि प्रकाश की किरणें एयर से किसमें जा रही है ग्लास में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, उसको हम बच्चों अपवर्तनांक के तौर पर क्या लिखते हैं एन जी लिखते हैं, एयर टू ग्लास, वायु से किसमें गया कांच में गया, इज इक्वल टू सी नियतांक क्या था इज इक्वल टू क्या साइन अपान साइन आई अपान साइन आई। यदि मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, ग्लास में मतलब पानी है जल से किस में जा रही है कांच में जा रही है, तो अगर पानी से कांच में जा रहे उसको हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू जो फार्मूला पर साइन आई अपान साइन आर। और दूसरी चीज और थोड़ा सा जान लो बच्चों की माध्यम की चाल क्या होगी, आप लोग इसको भी जानते रहो क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी आवश्यकता पड़ी। कैसे ए एन जी क्या होता है बच्चों, ए एन जी का एक फार्मूला ये भी होगा कि ए क्या है एयर मतलब वायु में प्रकाश की चाल, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों वायु में प्रकाश की चाल बटे जी का मतलब कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। आगे बच्चों बात समझे, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।